Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is reunion of adrenergic agonist. Adrenergic related to sympathetic nervous system, और इस agonist को बोलते हैं sympathomimetic drugs या sympathomimetic agents या adrenergic agonist. Why it is called agonist? क्योंकि इसने sympathetic nervous system की activity को बढ़ा देना है और इसी वजह से इसको sympathomimetic drugs बोलते हैं. तो फिर ऐसी drugs जिसने adrenergic receptor को activate करना तो उसको बोलते हैं sympathomimetic drugs. ठीक है, और जिस drugs ने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स को या एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करना तो उसको बोलते हैं सिंपैथोलेटिक्स. तो जो एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग्स उनको बोलते हैं सिंपैथोलेटिक ड्रग्स होती हैं. अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? जो सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स या एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तीन कैटेगरी का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इन्होंने किस तरह से काम करना है. कुछ ने डायरेक्टली रिसेप्टर पर जाके बाइंड करके रिसेप्टर की एक्टिवेशन करवा देनी है, उनको बोलेंगे डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट. और किसी ने रिसेप्टर पर जाके बाइंड नहीं करना बल्कि जो न्यूरो ट्रांसमीटर के रिलीज को बढ़ा देना है, ठीक है, या इनकी नेट क्वांटिटी को या कंसंट्रेशन को बढ़ा देना है, तो उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट. और किसी ने दोनों मैकेनिज्म के जरिए काम करना है तो उसको बोले कि मिक्स एक्टिंग. ठीक हो गया. जैसे अगर आपको डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट की एग्जांपल देखनी है तो डायरेक्ट एक्टिंग भी दो तरह की होती है डिपेंडिंग अपॉन उन्होंने किसी रिसेप्टर पर जाके बाइंड करना है. किसी ने अल्फा पे जाके बाइंड करना होगा तो उसको बोले कि अल्फा एगोनिस्ट, और किसी ने बीटा पे जाके बाइंड करना होगा तो उसको बोले कि बीटा एगोनिस्ट. जबकि इनडायरेक्ट एक्टिंग ने किसी रिसेप्टर पर जाके बाइंड नहीं करना बल्कि इन्होंने इसके रिलीज को या फिर इसकी रीअपटेक को इनहिबिट कर देना है. रिलीज को बढ़ाने के लिए आपने ये याद रखना है ईटा, ठीक है, इफेड्रिन, टिरामीन और एम्फेटामीन. और रीअपटेक इनहिबिटर में आपने पढ़ना है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एंड कोकीन. ठीक हो गया. अल्फा एगोनिस्ट में अगर नॉन सेलेक्टिव की बात करते हैं तो फिर नोरएपिनेफ्रिन जो दोनों के लिए होती है. अल्फा वन के लिए स्पेसिफिक है फिनालेफ्रिन और जो अल्फा टू के लिए सिलेक्टिव है क्लोनिडीन, जबकि बीटा नॉन सेलेक्टिव एसोप्रोटीनोल, बीटा वन के लिए डोब्यूटामीन और बीटा टू के लिए एल्बोटिरोल. अब हमने इस चैप्टर का बेसिक ओवरव्यू लेना है लिपनकॉट से और ये चैप्टर नंबर 6 है एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट. तो फिर हम स्टार्ट करते हैं एड्रेनर्जिक न्यूरॉन से. तो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन जो नोरएपिनेफ्रिन को रिलीज करते हैं प्राइमरी न्यूरो ट्रांसमीटर के तौर पर, तो उसको बोलते हैं एड्रेनर्जिक न्यूरॉन. यही एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ना सिर्फ आपको सीएनएस के अंदर बल्कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर भी देखने को मिलते हैं, जहां पर ये लिंक प्रोवाइड करते हैं गैंग्लिया और इफेक्टर सेल के दरमियान. अब एड्रेनर्जिक ड्रग्स ने दो जगह पे बाइंड, एड्रेनर्जिक ड्रग्स ने बाइंड करना है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर. एड्रेनर्जिक रिसेप्टर या तो न्यूरॉन्स के ऊपर भी पड़े हुए हो सकते हैं या फिर पोस्ट सिनैप्टिक के लिए भी देखने को मिल सकते हैं. प्री सिनैप्टिक के लिए न्यूरॉन्स के ऊपर, और वहां पे ये न्यूरॉन की जो न्यूरॉन से जो न्यूरो ट्रांसमीटर के रिलीज है उसको इनहिबिट कर देते हैं, और पोस्ट सिनैप्टिक के लिए अपने इफेक्टिव ऑर्गन के ऊपर. जैसे अगर आपको यहां से नजर आ रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका एड्रिनल मेडुला, इसने एपिनेफ्रिन रिलीज किया तो उसने रिसेप्टर पर जाके बाइंड किया, और इनके अपने ही जो प्री सिनैप्टिक टर्मिनल है इनके ऊपर भी रिसेप्टर्स होते हैं. ठीक हो गया. तो वहाँ पर जाके बाइंड कर सकते होते हैं. अब हम इसकी न्यूरोट्रांसमिशन को पढ़ लेते हैं. जो न्यूरोट्रांसमिशन है नोर एपिनेफ्रिन या एड्रिनर्जिक फाइबर की, तो हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ पे हम बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं. जो न्यूरोट्रांसमिशन एड्रिनर्जिक न्यूरॉन की होती है वो कोलिनर्जिक न्यूरॉन की जैसे होती है. ठीक हो गया. लेकिन यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस होती है वो होती है नोर एपिनेफ्रिन की. अब इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं? पहला स्टेप होता है सिंथेसिस, इसको बनाना न्यूरोट्रांसमीटर को. दूसरा स्टेप होता है इसको स्टोर करवाना स्टोरेज वेसिकल के अंदर. तीसरा इसका स्टेप होता है रिलीज करवा देना. चौथा होता है रिसेप्टर पर जाके बाइंड करना. पांचवा स्टेप होता है इसको नोरएपिनेफ्रिन को रिमूव कर देना, जैसे कैटेकोलोमेथाइल ट्रांसफरेज के जरिए या डिफ्यूजन के जरिए, या फिर इसको प्रीसिनैप्टिक रिसेप्टर से अपटेक करवा देना. ठीक हो गया. और इसका हम ये भी कह सकते हैं कि, और छठा ये हो सकता है कि पोटेंशियल फेट्स ऑफ रिकैप्चर्ड नोरएपिनेफ्रिन. अब हम पहला स्टेप कर लेते हैं सिंथेसिस ऑफ नोरएपिनेफ्रिन. जो उसकी सिंथेसिस होती है वो होती है टायरोसिन से. ठीक है. और टायरोसिन ट्रांसपोर्ट होता है न्यूरॉन के अंदर सोडियम के साथ. ठीक है. सोडियम के साथ ये कोर ट्रांसपोर्ट होता है. तो टायरोसिन अंदर आ गया, फिर टायरोसिन कन्वर्ट हो जाएगा डोपा के अंदर. एंजाइम होता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज. एंजाइम होता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज जो टायरोसिन को डोपा के अंदर कन्वर्ट करा देता है, और कहते हैं कि ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है नोरएपिनेफ्रिन की सिंथेसिस का. ठीक हो गया. अब इसके बाद दूसरा स्टेप होता है डोपा को डोपामिन के अंदर कन्वर्ट करा देना, और डोपामिन को ट्रांसपोर्ट करा देना सिनैप्टिक वेसिकल के अंदर. तो यहाँ पे एक आपको अमाइन ट्रांसपोर्टर सिस्टम नजर आता है. ठीक हो गया. जिसको बोलती है VMAT. तो VMAT डोपामिन को अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है. ठीक हो गया. अब जो पहला स्टेप था उसको इनिबिट करने वाले जो ड्रग होती है उसको बोलते हैं मिटारोसिन, जो रेट लिमिटिंग स्टेप को ब्लॉक कर देती है, और जो स्टोरेज वाले स्टेप को ब्लॉक करने वाली होती है उसको बोलते हैं हम रिजर्पीन. ठीक हो गया. अब स्टोर हो गया, स्टोर होने के बाद रिलीज करवानी है. रिलीज जब होगी, जब एक्शन पोटेंशियल अराइव करेगा न्यूरॉन के जंक्शन के ऊपर. ठीक हो गया. और यहाँ पे कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, फिर कैल्शियम आयन सिनैप्टिक वेसिकल को सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करवा देता है, इनकी एक्सोसाइटोसिस हो जाती है. और इसकी एक्सोसाइटोसिस को रिलीज को ब्लॉक करने वाली ड्रग है, उसका नाम है गुआनेथिलीन. अब रिलीज हो गया, अब ये
सैनाप्टिक स्पेस के अंदर। तो फिर ये जो नोरएपिनेफ्रिन होगा ये सैनाप्टिक स्पेस में रिलीज होने के बाद पोस्ट सैनाप्टिक रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेगा। या फिर ये रिसेप्टर्स के पोस्ट सैनाप्टिक भी पड़े होते हैं, प्री सैनाप्टिक भी पड़े होते हैं। तो फिर नोरएपिनेफ्रिन रिलीज हो गया तो ये पोस्ट सैनाप्टिक रिसेप्टर पर जाके बाइंड कर सकता है और प्री सैनाप्टिक पर भी जाके बाइंड कर सकता है। पोस्ट सैनाप्टिक पर जब बाइंड करेगा तो फिर हमें इंट्रा सेलुलर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। लेकिन जब ये प्री सैनाप्टिक रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेगा तो ये अपने ही सिंथेसिस को या अपने ही रिलीज को ही ब्लॉक कर देगा। ठीक हो गया, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। तो ये हो गया, और फिर जब ये रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेगा पोस्ट सिनैप्टिक पर, तो ये किसी ना किसी सेकंड मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, जैसे साइक्लिक एएमपी हो गया, फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल सिस्टम हो गया, डैक सिस्टम हो गया, और ये वापस अपने रिसेप्टर पर भी जाके बाइंड कर सकता है, स्पेसिफिकली अल्फा टू पर, जो इसकी रिलीज को इनहिबिट कर देता है। अब बाइंड कर लिया, इसके बाद रिमूवल करानी है, तो इसकी रिमूवल कराने के लिए दो मैकेनिज्म होते हैं। एक होती है कि नोरएपिनेफ्रिन डिफ्यूज करके इस जगह से चला जाए, दूसरा यह होता है कि इसके अब एंजाइमिक इनएक्टिवेशन कर ले, कि हम इसको कैटेकोल और मिथाइल ट्रांसफेरेज से जो सैनाप्टिक स्पेस के अंदर पड़ा हुआ होता है वो इस पे बाइंड करे और इसको इनएक्टिव मेटाबोलाइट के अंदर कन्वर्ट कर दे, वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाए। ठीक हो गया। और तीसरा मैकेनिज्म होता है कि इसको वापस न्यूरॉन के अंदर रीअपटेक किया जा सके। तो तीन मैकेनिज्म होते हैं नोरएपिनेफ्रिन को रिमूव करने के लिए। जो उसका रीअपटेक वाला मैकेनिज्म होता है वो सोडियम क्लोराइड के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक हो गया। तो और इसको ब्लॉक करने वाली जो ड्रग होती है वो होती है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, स्पेसिफिकली इमेप्रेमीन। इमेप्रेमीन और जो सेरोटोनिन नोरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, एग्जांपल डलॉक्सिटीन या कोकीन। तो तीन ड्रग्स ऐसी होती है जो नोरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करती है, इस पंप को बोलते हैं नोरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। तो उसको ब्लॉक करने वाली सेरोटोनिन नोरएपिनेफ्रिन रिअपटेक इनहिबिटर एग्जांपल है इसकी डलॉक्सिटीन, जबकि कोकीन या ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इसके एग्जाम्पल है इमिप्रामीन। ठीक हो गया। तो इसके रीअपटेक को ब्लॉक कर देती है, ये तीन ड्रग्स रीअपटेक को ब्लॉक करके नोरएपिनेफ्रिन को ज़्यादा रिलीज करवाती है। इस तरह नोरएपिनेफ्रिन अपना ज़्यादा एक्शन करता होता है। अब लास्ट स्टेप रह गया है, वो है पोटेंशियल फेट ऑफ रीकैप्चर्ड नोरएपिनेफ्रिन, कि नोरएपिनेफ्रिन जिसको आपने रीकैप्चर कर लिया उसका फेट क्या होगा। अब रीअपटेक कर लिया, ठीक हो गया, सिनैप्टिक वेसिकल के अंदर चला गया, तो ये अमाइन ट्रांसपोर्टर सिस्टम से वापस स्टोर हो जाएगा अपनी स्टोरेज वेसिकल के अंदर और ये वापस यूज हो सकता है। ठीक हो गया। तो ये तो था हो गया, ये तो हो गया ये न्यूरो ट्रांसमिशन इन एड्रीनर्जिक नर्व फाइबर। अब हम पढ़ लेते हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को या एड्रीनो रिसेप्टर को। तो जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर या जिसको एड्रीनो रिसेप्टर भी बोलते हैं, ये दो टाइप की होती है, एक होता है अल्फा एक होता है बीटा। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एपिनेफ्रिन भी बाइंड करा, नोरएपिनेफ्रिन भी और आइसोप्रोटिनोनोल भी। आइसोप्रोटिनोनोल मैंने आपको कहा था कि जो आइसोप्रोटिनोनोल है ये बीटा एगोनिस्ट होती है, ये दोनों के साथ नॉन सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट है। तो फिर अल्फा रिसेप्टर के लिए जो सबसे ज़्यादा हाई एफिनिटी होती है वो एपिनेफ्रिन के लिए, फिर आती है नोरएपिनेफ्रिन और सबसे कम आइसोप्रोटिनोनोल। लेकिन बीटा रिसेप्टर के लिए सबसे ज़्यादा एफिनिटी होती है आइसोप्रोटिनोनोल की, एपिनेफ्रिन की और नोरएपिनेफ्रिन की। ठीक हो गया। तो आपने इसकी एफिनिटी को इस तरह से याद रखना है। हम बात कर रहे थे रिसेप्टर्स की, तो हमने कहा था कि जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर दो तरह के होते हैं अल्फा और बीटा, डिपेंडिंग अपॉन उनकी एफिनिटी क्या है, एपिनेफ्रिन के लिए एफिनिटी क्या है, नोरएपिनेफ्रिन के लिए एफिनिटी क्या है और हम आइसोप्रोटीनोनोल के लिए एफिनिटी क्या है। तो हम बात करते हैं पहले अल्फा रिसेप्टर। तो अल्फा रिसेप्टर की जो एफिनिटी आइसोप्रोटीनोनोल के लिए काफ़ी ज़्यादा कम होती है, लेकिन जो नेचुरल कैटेकोल अमीन होते हैं एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन इनके लिए काफ़ी ज़्यादा होती है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं एपिनेफ्रिन के लिए, तो उसकी एफिनिटी एपिनेफ्रिन के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है। अब जो अल्फा एड्रिनो रिसेप्टर इनकी एफिनिटी यहाँ पे लिखी हुई है कि एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन के ऑलमोस्ट हम सिमिलर कह सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत एपिनेफ्रिन की ज़्यादा होती है। जो अल्फा रिसेप्टर को मजीद कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं और इसके लिए भी स्पेसिफिक ड्रग्स होती है, जो एक अल्फा वन के लिए स्पेसिफिक होती है, अल्फा टू के लिए भी स्पेसिफिक। जैसे जो अल्फा वन के लिए वो जिस ड्रग की एफिनिटी ज़्यादा होती है वो होती है फिनाइल एफिरिन की, और अल्फा टू के लिए होती है क्लोनिडीन की। ठीक हो गया। तो क्लोनिडीन ने अल्फा टू पे ज़्यादा जाके बाइंड करना है और फिनाइल एफिरिन ने अल्फा वन के लिए। ठीक होगा। इसकी सिलेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं अल्फा रिसेप्टर की। जो अल्फा रिसेप्टर होते हैं वो किन किन जगह के ऊपर पड़े होते हैं? तो जो अल्फा रिसेप्टर्स आपको अगर हम इस डायग्राम से देखते हैं, तो अल्फा रिसेप्टर्स आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो ये फोकस, हाँ, तो ये वैस्कुलर सबूत मसल के ऊपर देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा वैस्कुलर सबूत मसल के ऊपर होते हैं, और वहाँ पे इनका फंक्शन होगा कॉन्ट्रैक्शन करके वैस्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ा के ब्लड प्रेशर बढ़ा देना। प्यूपिलरी डायलेटर मसल के ऊपर वहाँ पे इनका फंक्शन होगा मिलिट्रियासिस काज करवाना। पाइलोमोटर सबूत मसल के ऊपर वहाँ इनका फंक्शन होगा इरेक्शन ऑफ एयर। ब्लैडर के ट्राइगोन और जो प्रोस्टेटिक सबूत मसल वहाँ इनका फंक्शन होगा कॉन्ट्रैक्शन करवा देना। लीवर के अंदर कुछ स्पीशीज के अंदर, रैट के अंदर, वहाँ पे इसका फंक्शन होगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक हो गया।
अब हम यहाँ से देख लेते हैं, जो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर पड़े होते हैं इफेक्टर पर, वो वहाँ पे बहुत सारे अपने एक्शन करते हैं। और अल्फा रिसेप्टर जिस मैकेनिज्म के जरिए काम करते हैं वो होता है जी प्रोटीन कॉपर रिसेप्टर और फॉस्फोल IP3 DAG सिस्टम के जरिए काम करते हैं। IP3 DAG सिस्टम, जो IP3 DAG सिस्टम है वो कैल्शियम आयन को रिलीज करवा देता है। ठीक हो गया। तो अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ पर अल्फा रिसेप्टर किस तरह से काम कर रहे हैं, IP3 DAG सिस्टम, और जबकि अल्फा 2 वाले ये GI के जरिए काम कर रहे हैं, यानी अल्फा 2 रिसेप्टर की एक्टिवेशन की वजह से साइक्लिक AMP का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं अल्फा 2 की, तो अल्फा 2 किस तरह से काम कर रहे हैं, GI के जरिए काम कर रहे हैं। और जो अल्फा 2 है ये कहाँ कहाँ पर पड़े होते हैं, एड्रेनर्जिक और कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल दोनों के ऊपर पड़े हुए होते हैं, और वहाँ पर इनका फंक्शन होता है न्यूरो ट्रांसमीटर की रिलीज को ब्लॉक कर देना, एड्रेनर्जिक पे भी और कोलिनर्जिक पे भी। प्लेटलेट्स के ऊपर पड़े होते हैं तो वहाँ पर फंक्शन है एग्रीगेशन करवा देना, थ्रोम्बस की फॉर्मेशन, कुछ स्मूथ मसल के ऊपर भी होते हैं, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ द स्मूथ मसल वहाँ पे होते हैं अल्फा 1। एडिपोसाइट वहाँ पर इनका मेन फंक्शन होता है लाइपोलाइसिस को इनहिबिट कर देना, लेकिन जो बीटा 3 होते हैं उनका फंक्शन है लाइपोलाइसिस को स्टिमुलेट करवा देना। पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स के ऊपर तो वहाँ इनका फंक्शन होगा इंसुलिन के रिलीज को क्या कर देना, इनहिबिट कर देना, लेकिन जो बीटा 2 होते हैं वो पैनक्रियाटिक पे पड़े होते हैं, उनका फंक्शन है इंसुलिन के रिलीज को बढ़ा देना। तो कुछ फंक्शंस आपको ऑपोजिट नजर आ रही है अल्फा 2 के बीटा वाले से, कि इंसुलिन के रिलीज को यहाँ पर ब्लॉक कर देना और यहाँ पर आपको एडिपोसाइट के अंदर लाइपोलाइसिस को इनहिबिट कर देना। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू। अब फर्दर सब डिवीजन देख लेते हैं, जो अल्फा 1 अल्फा 2 को मजीद हम सब डिवाइड कर सकते हैं। अल्फा 1 को मजीद अल्फा 1A अल्फा 1B और अल्फा 1C अल्फा 1D और अल्फा 2 को अल्फा 2A अल्फा 2B अल्फा 2C। ठीक हो गया। अब कुछ ड्रग्स ऐसे भी होती हैं जो अल्फा 1 के भी ए वाले को ब्लॉक करती है या फिर उसको स्टिमुलेट करती है, जैसे टेम्सोलोसिन है, ये सिलेक्टिव अल्फा 1A एगोनिस्ट होती है, सॉरी एंटागोनिस्ट होती है, जो इसका मेन फंक्शन है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लीजिया को ट्रीट करना, और इस ड्रग का फ्यूअर कार्डियोवैस्कुलर साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि ये ड्रग बेसिकली टारगेट ही करती है अल्फा 1A वाले को और किसी रिसेप्टर को नहीं छेड़ती होती। ठीक हो गया। और अल्फा 1A वाले प्रीडोमिनेंटली पड़े हुए होते हैं यूरिनरी ट्रैक के अंदर और प्रोस्टेट के अंदर। ठीक हो गया। और जो अल्फा 1B वाले होते हैं ये ब्लड वेसल्स के अंदर पड़े होते हैं। तो अगर हम टेम्सोलोसिन यूज़ करते हैं तो टेम्सोलोसिन अल्फा 1A को ही ब्लॉक करेगी, अल्फा 1B को ब्लॉक नहीं करेगी, जिसकी वजह से आपको CVS के साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलते, सिर्फ आपको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया ये ट्रीट हो सकता है इसकी वजह से। तो ये था इसका फर्दर सब डिवीजन। अब हम देख लेते हैं बीटा एड्रिनोसेप्टर के बारे में। तो बीटा एड्रिनोसेप्टर या बीटा रिसेप्टर ये डिफरेंट होते हैं अल्फा रिसेप्टर से, और इनकी एफिनिटी कुछ इस तरह से होती है कि बीटा रिसेप्टर की एफिनिटी आइसोप्रोटीनोनोल के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है, देन कम्स एपिनेफ्रिन एंड देन कम्स नोर एपिनेफ्रिन। इनको भी 3 में डिवाइड करते हैं, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, डिपेंडिंग अपॉन देयर एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट एफिनिटी। जो बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं इनकी एफिनिटी तकरीबन बराबर होती है एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन के लिए, लेकिन जो बीटा 2 इसकी एफिनिटी एपिनेफ्रिन के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ऐसे टिश्यू जिसके अंदर बीटा 2 रिसेप्टर ज़्यादा होते हैं, जिस तरह वेस्कुलेचर और स्मूथ स्केलेटल मसल, तो वहाँ पर हमें एपिनेफ्रिन का ज़्यादा एक्शन देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक हो गया। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसेप्टर्स, के रिसेप्टर्स किस जगह पे पड़े हुए होते हैं। अगर हम बीटा 1 की बात करते हैं तो बीटा 1 हार्ट के ऊपर और जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स के ऊपर पड़े हुए होते हैं। हार्ट के ऊपर हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देना, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स के ऊपर रेनिन के रिलीज को बढ़ा देना, जबकि बीटा 2 वाले जो एयरवेज के अंदर यूट्राइन और वेस्कुलर स्मूथ मसल के ऊपर, लीवर के ऊपर, पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स के ऊपर, स्केलेटल मसल के ऊपर पड़े हुए होते हैं, जहाँ पे इनका फंक्शन है ट्रेमर कास करना हार्ट के ऊपर, जहाँ पे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देना। तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से पड़ी हुई होती है। अब इनकी डिसेंसिटाइजेशन को देख लेते हैं, रिसेप्टर की डिसेंसिटाइजेशन को। पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से वो वेस्कुलेचर होते हैं स्केलेटल मसल के, तो वहाँ पे अल्फा 1 और बीटा 2 दोनों होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बीटा 2 होते हैं, जबकि दूसरे टिश्यू के अंदर हमें जिस तरह हार्ट के अंदर बीटा 1 ज़्यादा होते हैं। करेक्टरिस्टिक रिस्पॉन्स क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स रिस्पॉन्स के इन जनरल अगर स्टिमुलेशन देखें तो जो अल्फा 1 रिसेप्टर की स्टिमुलेशन होती है तो हमें वेजो कॉन्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है, स्पेसिफिकली स्किन में और एब्डोमिनल विसरा की आर्टियोल के अंदर, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और अगर हम देखें बीटा 1 रिसेप्टर की एक्टिवेशन से कार्डिक स्टिमुलेशन ज़्यादा होती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, जबकि बीटा 2 वाले से वेजो डायलेशन हो जाती है और स्केलेटल मसल की रिलैक्सेशन हो जाती है। बीटा 3 वाले लाइपोलाइसिस के लिए एसोसिएटेड होता है, उनका कुछ इफेक्ट हमें डेट्रूजर मसल के ऊपर भी देखने को मिलता है। तो फिर कैरेक्टरिस्टिक रिस्पॉन्स आपने किस तरह से याद रखना है, अल्फा 1 का मेन फंक्शन है वेजो कॉन्स्ट्रक्शन करा के ब्लड प्रेशर को बढ़ा देना, बीटा 1 इसका मेन फंक्शन है हार्ट रेट को बढ़ा देना, बीटा 2 इसका मेन फंक्शन है वेजो डायलेशन और स्मूथ मसल की और स्केलेटल मसल की थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन करवा देना। और इसके बाद जो बीटा 3 है वो है इनका फंक्शन लाइपोलाइसिस। ठीक हो गया।
अब है डिसेंसिटाइजेशन। डिसेंसिटाइजेशन का मतलब होता है कि अगर हम रिसेप्टर पर बार बार न्यूरो ट्रांसमीटर बाइंड करते रहेंगे तो फिर रिसेप्टर न्यूरो ट्रांसमीटर को सेंस करना बंद कर देगा। तो इसके मैकेनिज्म क्या होते हैं? इसके मैकेनिज्म ये होता है कि रिसेप्टर की इनएक्टिवेशन हो जाती है, जिसकी वजह से रिसेप्टर को सेल के अंदर सिक्वेस्टर कर लिया जाता है। दूसरा ये है कि जब रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं तो फिर रिसेप्टर की डाउन रेगुलेशन होना शुरू हो जाती है। मतलब रिसेप्टर पर जितना ज़्यादा बाइंड किया जाएगा रिसेप्टर इनएक्टिव हो जाएंगे, जब रिसेप्टर इनएक्टिव हो जाएगा तो अब इनकी डिस्ट्रक्शन बढ़ जाएगी या फिर इनकी सिंथेसिस कम हो जाएगी। और तीसरा ये हो सकता है कि अगर रिसेप्टर की बार बार एक्टिवेशन होगी तो फिर रिसेप्टर अपना सिग्नल में भी सेंड ना कर सके अपने जी प्रोटीन के साथ, ठीक हो गया, क्योंकि रिसेप्टर पहले से ही साइटोप्लाज्मिक साइट के ऊपर फॉस्फोरिलेटेड है। क्योंकि जब जी प्रोटीन की एक्टिवेशन होती है तो फिर जी प्रोटीन ने वापस अपनी रेस्टिंग स्टेट के अंदर जाना होता है, लेकिन अगर रिसेप्टर बार बार एक्टिवेट हुआ जा रहा है तो फिर वो मजीद सिग्नल को आगे सेंड नहीं कर सकता। तो सेंसिटाइजेशन के तीन मैकेनिज्म होते हैं, सिक्वेस्ट्रेशन, दूसरा डाउन रेगुलेशन, और तीसरा होता है इनएबिलिटी टू कपल टू जी प्रोटीन, ठीक हो गया। तो ये था बेसिक ओवरव्यू, ये है पार्ट वन। अभी इंशाल्लाह पार्ट टू वाला मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो उसके अंदर हम करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, डायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, इनडायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट और मिक्स्ड एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना और चैनल बनाएंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।